7 अगस्त को मध्य प्रदेश मनाएगा अन्न उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। आपको बता दें कि 7 अगस्त को अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी उचित मूल्य दुकानों से चुने हुए राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल की सजावट के साथ ही पोस्टर, बैनर, LED स्क्रीन व हितग्राहियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। आपको बताते चलें कि अन्न उत्सव में रीवा जिले में 44,800 चिन्हित हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर कमिश्नर ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि संभाग के सभी जिलों में 7 अगस्त को अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी उचित मूल्य दुकानों से चुने हुए राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी सभी उचित मूल्य दुकानों की साफ सफाई, साज सज्जा की व्यवस्था कर रहे हैं। दुकानों में अन्न उत्सव से संबंधित पोस्टर, बैनर आवश्यक रूप से लगाए गए। संभागीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी दुकानों में तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न तथा वितरण के लिए 10 किलो के थैले उपलब्ध करा दिए हैं। निगरानी समिति के सदस्यों एवं कोविड के आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों को भी अन्न उत्सव में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर रीवा शहर के मानस भवन, सिंधु भवन, मॉडल स्कूल सहित अन्य स्थानों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। वो तो बहुत बड़ा अभियान है, बड़ा उत्सव है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, तो गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न नवम्बर तक कोरोना की महामारी को देखते हुए देने का जो फैसला प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सफल हो, इस उद्देश्य से कल एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। जिले में से कितना लक्ष्य रखा गया है उत्सव के तहत? अब उसमें तो बड़ी संख्या है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मिलेगा मुफ्त में, और बहुत से ऐसे लोगों को भी 28 गरीबों की श्रेणी को भी शामिल किया है, अस्थायी पर्ची दी गई है। जो गरीबी रेखा में नाम नहीं लेकिन गरीब हैं उनको भी उनके एफिडेविट के आधार पर, आवेदन के आधार पर, संबल कार्ड के आधार पर उनको भी चिन्हित किया गया।